हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। तो हर बार की तरह इस बार भी मेरे साथ है बासु। और गाइज, आज का ये ब्लॉग है स्पेशल इस वजह से क्योंकि दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, मेरा जो पहले का कैमरा था जो कैनन का 200D में उस पर वीडियो बनाता था, वो कैमरा जो है मेरा ख़राब हो चुका था, ठीक है। और लॉकडाउन में ख़राब हुआ था आज से एक महीने पहले। अभी मेरे टेक वीडियो जितने भी आते हैं मेरे टेक चैनल पर, वो सारा फ़ोन से आता है, इसी फ़ोन से मैं बनाता हूँ, वन प्लस। तो वो कैमरा ख़राब हो गया, उसको मैंने सर्विस सेंटर में दिया। सर्विस सेंटर जो है कैनन का हमारे धनबाद में है नहीं, वो मुंबई भेजा है। अब मुंबई गया वहाँ बनाने और सर्विस सेंटर में ही कोरोना पॉजिटिव निकल गया और सर्विस सेंटर हो गया पूरा सील। अब मेरा कैमरा कब बनेगा नहीं बनेगा, कब आएगा नहीं आएगा नहीं पता, एक महीना हो चुका है ऑलरेडी। तो मैंने सोचा यार इतना वेट करने से नहीं होगा, ऐसे भी चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो अभी जो है क्वालिटी तो देना बहुत ज़्यादा मतलब कि नेसेसरी एक तरह से। पहले फ़ोन पर बना लेता था, काम चल जाता था, लेकिन अभी 1 मिलियन सब्सक्राइबर से थोड़ा क्वालिटी कॉन्टेंट देना ज़्यादा बेटर रहता है। तो अभी गाइज फाइनली मैं और बासु जा रहा हूँ बैंक मोड़ धनबाद, और वहाँ से मैं फिर से एक नया कैमरा लेने वाला हूँ। इस बार कैनन 200D नहीं लूँगा, बहुत हाई रेंज का कैमरा लेने वाला हूँ, थोड़ा महंगा कैमरा, ताकि क्वालिटी को ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। तो आप लोग इस ब्लॉग को देखते रहिए, चलिए मैं दिखाता हूँ वो कौन सा कैमरा है लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, वो आप लोगों को वहाँ दुकान पर ही जाकर देखने को मिलेगा। और उस कैमरे को मैं परचेज करूँगा, फिर घर लेके जाऊँगा, फिर घर में जाकर आप लोग को दिखाऊँगा उसका क्वालिटी कैसा है नहीं है। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड तक देखना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लेना Manoj23 यूजर नेम है, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए गाइस आज की इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। ये है हमारा धनबाद, ये है हमारा धनबाद का रास्ता, धनबाद जाने का, मेरे घर से धनबाद। बड़ा ही खतरनाक रास्ता है, चारों तरफ आपको कोल माइंस नजर आएंगे कि हर बार दिखता है, ये देख सकते हो। ये देखिए नज़ारा, आज का वेदर का इस बहुत ही अच्छा है, एकदम ठंडा ठंडा वेदर करके रखा, थोड़ा देर पहले बारिश भी हुई है, तो इस तरह का वेदर है। तो चलिए अब धनबाद पहुंच करके आप लोगों को दिखाते हैं कौन सा कैमरा लेने वाले हैं और कौन सा नहीं। सो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बैंक मोड़, तो ये देख सकते हो क्राउड कितना है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। खतरनाक क्राउड ये है। आगे तो बोला गाइस आगे, वो देखिए निकॉन लिखा हुआ, कैनन लिखा हुआ, यही है कैमरा दुकान। चलो एंटर करो, उधर चलो आगे कार के साइड में। हाँ, ये हम लोग पहुंच चुके हैं कैमरा के दुकान पे फाइनली गाइस। कैनन का ये है 80D, ये 90D, दोनों में डिफरेंस बताइए। 80D में दोनों में पहला बात तो आपको एक तो मेगा पिक्सल का फर्क है, इसमें है 24 25, ठीक है। इसके बाद ISO रेंज देख लीजिए, 100 से 25,600 है। ये स्टार्टिंग में 16 स्पेंडल है वो, ठीक है, और एस्टेमल में ये और बढ़ जा रहा है। अच्छा, एक्सपेंड 200 हो जा रहा है, ठीक है, एस्टेमल ये है, ठीक है। प्लस 4K का फ़र्क है दोनों में, क्रॉप ऑन क्रॉप का फ़र्क है, आई फोकस इसमें 80D में नहीं है, ठीक है। 80D 4K नहीं है, सब 4K है, HD से स्टार्ट है, HD फुल HD और 4K। ये एकदम लेटेस्ट लॉन्च हुआ, एकदम लेटेस्ट लॉन्च हुआ। इसमें वीडियो में आपको क्रॉप ऑन क्रॉप दोनों है, प्लस स्लो मोशन बहुत ही अच्छा है, 120 का स्लो मोशन, बहुत अच्छा स्लो मोशन इसका। कैनन ये 50mm, ये M50, ये वाला कैमरा अभी गाइस अनबॉक्स करवा के देख रहे हैं थोड़ा सा, मतलब क्वालिटी कैसा है नहीं, फिर डिसीजन लेंगे कौन सा कैमरा लेना है। ये बजट रेंज में आता है, ठीक है, मिररलेस कैमरा M50 नया लॉन्च हुआ है, एकदम हल्का सॉफ्ट कॉम्पैक्ट साइज का कैमरा ये। ये ब्लॉगिंग के लिए अच्छा है क्या? हाँ, इसमें भी ब्लॉग भी कर सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, बहुत काफ़ी हल्का है, और इसमें छोटा साइज का लेंस आता है 15x45mm 15x45mm। तो इसका क्वालिटी अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कैसा है, उसके बाद फिर डिसीजन लेंगे कौन सा कैमरा लेना है। ये सेंसर है, ये बंद होगा तो बंद होगा। अच्छा, यहाँ पे कई सेंसर लगा हुआ है, जैसे आँख को सटाओगे डिस्प्ले बंद।
क्वालिटी खराब नहीं है। आप कहाँ बोल रहे हैं? फायदा ये कि ब्लॉग भी बना सकते हैं, जैसे वाइड होगी और वैसे एक ट्राइपॉड लगा कर आराम से मार्केट में ब्लॉग व्लॉग बन जाएगा, है ना? लेकिन गुड बेटर बेस्ट, ये बेटर है, बेस्ट नहीं। टैग वीडियोस के लिए तो वो ज़्यादा सही रहेगा क्या? 90D वो रूम पे बैठ के वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा बेटर है। सो गाइस, हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि कैनन का जो ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ है कैनन EOS 90D, तो इसी को मैंने फाइनली परचेज़ किया। ठीक है, ये मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि इस कैमरे को लेता हूँ, क्योंकि जब लेना ही है मैंने सोचा कि तो बार बार तो इन्वेस्ट करना है नहीं, तो कुछ अच्छा ही कैमरा ले लेता हूँ। तो गाइस, इसकी जो है प्राइस वाइज के बारे में मैं अपने मेन चैनल पर बताऊँगा, उससे पहले आप लोग देख सकते हो इसका बॉक्स कितना बड़ा है, उसमें क्या क्या हमें मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, ये है हमारा कैमरे की बॉडी, तो ये देख सकते हो बहुत बड़ा ह्यूज साइज़ है इसका, इससे आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा बड़ा साइज का है, मतलब कर सकते हो, बहुत कोई करते भी है, लेकिन मुझे तो मतलब ज़्यादा ही थोड़ा बड़ा लग रहा है। बट इससे हम जो है टैग वीडियोज की जो क्वालिटी आएगी वो आप लोग देखना, मेरे टैग वीडियोज पे गजब का इसमें इम्प्रूव हो जाएगा। इसमें एक लेंस मिला बड़ा सा 18:135, ठीक है, 18:135, मतलब ये किट लेंस है, लेकिन इससे आप फोटोशूट और एल्बम सॉन्ग्स ये सब शूट कर सकते हो। बाकी आपको 50mm लगा करके आप अपने रूम पर टैग वीडियो शूट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिली है, तो इसमें अभी बैटरी लगेगी और मेमोरी कार्ड लगेगी, उसके बाद इसको मैं दिखाऊंगा अभी ऑन करके। ठीक है, सारा कुछ प्रोफेशनल वगैरह सब कुछ, ब्लॉगिंग वगैरह जितना भी कुछ ब्लॉग बना सकते हैं मार्केट पे। मेरा तो काम वीडियो बनाने का रहता है। वैसे तो कैमरा ऑन कर दिया, कैमरा सीधा है कि मैं तुमको पता नहीं, याद देखो एक बार दबाया समझा, ये दबाया कैमरा बैलेंस होगा तो ग्रीन होगा, समझ गया। दूसरा बार दबाएगा ऑप्शन आ गया, हम ऑटो में ये स्विच इसे डायरेक्ट जो तुम करता नहीं करना, उसको पुश करके करना, करना है। अरे वीडियो बन। सो हाय गाइस, फाइनली हम लोगों ने कैमरा को परचेज कर लिया है। ये रहा बासु, बासु कैमरा कैसा लगा? कैमरा एकदम बेस्ट, वर्थिंग बेस्ट। सो ये देख सकते हो, ये है कैमरा, मॉडल है कैनन का 90D जो कि लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, और अंकल जी इसी को मुझे सजेस्ट किए कि ये कैमरा आपके लिए बेस्ट रहे। बाकी घर जा करके आप लोगों को दिखाते हैं इसका क्वालिटी कैसा है नहीं है, सारा आप लोगों को वीडियो पर देखने को मिलेगा, और अनबॉक्सिंग वीडियो भी आप लोगों को मेरे मेन चैनल पर दिख जाएगा। घर के लिए निकले। सो गाइस, फाइनली कैमरा ले लिए हैं, ये देख सकते हो बैग पर रखा हुआ इधर है बासु। तो अभी हम लोग अब निकलते हैं घर, आए थे आज अपाची से, कार लेकर नहीं आया था, मेरा कार घर पे नहीं था, तो चलिए अब घर चलते हैं और घर जा करके आप लोगों को थोड़ा कैमरा में दिखाते हैं क्या क्या डिटेल है क्या नहीं है। ठीक है, हेलो गाइस, तो आज है नेक्स्ट डे। ठीक है, मैं कल कैमरा लेके आया था, जैसा कि आप सबको पता है मैंने वीडियो दिखाया था। तो अभी फिलहाल जो है मैं कैमरे को यहाँ पर टेस्ट कर रहा था, ये देख सकते हो लगा करके ट्राइपॉड पे, और उधर मैं शूट करता हूँ इधर। ठीक है, यहाँ कुर्सी लगा हुआ, चेयर लगा हुआ, और यहाँ पर मैं ट्राइपॉड पर अपने कैमरे को लगा दिया हूँ। तो यहाँ पर मैं टेस्ट कर रहा था कि इसकी क्वालिटी कैसा आ रहा नहीं आ रहा। तो गाइस, मैं बताना चाहूँगा इसका अगर फुल डिटेल आप लोग को वीडियो देखना होगा तो इसका अनबॉक्सिंग मैं डालूंगा अपने मेन चैनल पर, ठीक है, टैग वाले चैनल पर, और उस पर मैं आप लोग को दिखाऊंगा वीडियो फुटेज की किस तरह का क्वालिटी आ रहा नहीं आ रहा, वो सारा कंपेयर वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे मेन चैनल पे, जिसका नाम है मनोज दे। तो उस चैनल का अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखना। बाकी कैमरे को अगर मैं थोड़ा बैक से दिखाता हूँ, वेट। तो गाइज, ये देख सकते हो, ये है वो कैमरा जिस पे मेरा 50mm का पहले से लेंस लिया हुआ था, उसी को मैं लगा करके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें बैकग्राउंड जो ब्लर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। बाकी कैमरे का जो साइज़ है वो 80D का जो पहले आता था उसी के उतने बड़ा है, लेकिन क्या है कि इसमें इसका वजन जो है, वेट, वो 80D से बहुत ज़्यादा कम है।
और इधर इसका टिल्ट स्क्रीन भी दिया हुआ है, ठीक है, आराम से इसको आप टिल्ट कर सकते हो अपनी वीडियोज़ बनाने के लिए, घूम जाता है ये देख सकते हो। तो अपने तरफ आप घुमा कर आराम से इस तरह से मैं अपने वीडियो शूट करता हूँ। तो ये रहा वो कैमरा ट्राइपॉड पर लगा हुआ है, मैं अभी टेस्ट भी कर रहा था। तो चलिए फुल वीडियो मेरे मेन चैनल पर आ जाएगा, तो वहाँ पर जाकर के वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और इस ब्लॉग को अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, सारे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, मुझे इंस्टा पर जरूर फॉलो करना, मेरे यूजर नेम मनोज 23। चलिए आज के लिए इतना ही, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।